कि वृंदावन में लगातार आगजनी की घटनाओं को लेकर प्रशासन के द्वारा एक अस्थायी फायर सेंटर खोला गया। धर्मनगरी वृंदावन में आए दिन होने वाली आगजनी की घटनाओं को देखते हुए फायर ब्रिगेड द्वारा एक अस्थायी फायर स्टेशन की शुरुआत की है। बता दें कि पार्षद वैभव अग्रवाल द्वारा मंगलवार को डीएम नवनीत सिंह चहल से मुलाकात कर नगर में होने वाले श्रद्धालुओं स्थानीय लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से फायर स्टेशन खोले जाने की मांग की थी, जिसको गंभीरता से लेते हुए तत्काल अस्थायी फायर स्टेशन खोलने के निर्देश दिए गए, जिसके अनुपालन में फायर ब्रिगेड की ओर से पर्यटन सुविधा केंद्र परिसर में फायर स्टेशन की शुरुआत कर दी गई। सीएफओ प्रमोद शर्मा ने बताया कि इस स्टेशन में 5 कर्मचारी तैनात रहेंगे तथा एक बड़ी एक छोटी फायर टेंडर भी मौजूद रहेगी, लेकिन किसी भी आग लगने की घटना पर यहां से तत्काल रेस्क्यू के लिए टीम पहुंच सके। मनोज अग्रवाल, वृंदावन समाचार 24। मांग है कि एक फायर स्टेशन बने और आप लोगों के द्वारा डीएम को एक पत्र भी दिया गया था, अस्थाई बना है, स्थाई कब तक? जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी 2 दिन पूर्व वृंदावन के व्यस्ततम अटखम्मा बाजार में पोशाक शोरूम में आग लगने के कारण पूरा शोरूम जल गया था। और चूंकि गर्मी है और गर्मी में इस तरह की घटनाएं प्राय होती हैं, और हम सब ये जानते हैं कि मथुरा में फायर स्टेशन है और मथुरा से वृंदावन आने में लगभग 1 से 1.5 घंटा लग जाता है और इतने समय में जान माल की हानि हो जाती है, तो कल इसी उद्देश्य से कलम जिलाधिकारी महोदय से मिले भी थे। हमने उनसे वृंदावन में स्थायी फायर स्टेशन बनाने की मांग की थी और साथ में हमने उनसे ये भी कहा कि जब तक स्थायी नहीं बनता तब तक एक अस्थायी फायर स्टेशन वृंदावन में बना दिया जाए। और हमने उनको TFC, नगर निगम, डाक बंगला, 2-3 स्थान सजेस्ट भी किए थे, तो कल शाम को ही इसकी कार्रवाई हो गई और आज सुबह TFC में अस्थाई फायर स्टेशन बना दिया गया है। और चूंकि अब अस्थाई फायर स्टेशन बन गया है तो जो रेस्पॉन्स टाइम होगा, जो मथुरा से वृंदावन पहुँचने में समय लगता है, वो कम हो जाएगा। और चूंकि अब अस्थाई बन गया है तो हम इतने पर ही नहीं रुकेंगे, अब हम पूरे अपने प्रयास से और पूरे दमखम से हम इस प्रयास में लगेंगे कि वृंदावन जैसी प्रमुख जगह जहाँ लाखों करोड़ों तीर्थयात्री आता है, एक से एक VIP आता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हर व्यक्ति यहाँ आता है, ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पर एक परमानेंट फायर स्टेशन खुले, जिससे कि वृंदावन में इस तरह की घटना हो तो उस पर तत्काल काबू पाया जा सके। इस उद्देश्य में अब हम मुख्यमंत्री जी से या हर स्तर पर जो भी हम कर सकते हैं इस कार्य में लगकर अतिशीघ्र हम परमानेंट फायर स्टेशन खोलने की दिशा में काम करेंगे। एक्चुअली वृंदावन के अंदर जो आगजनी घटनाएं काफ़ी बढ़ रही हैं और बाहर से जो श्रद्धालु हैं, बहुत दूर दूर से श्रद्धालु यहां पर आते हैं और विदेशी श्रद्धालु भी हमारे पास यहां पर वृंदावन में रहते हैं और काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है। दूसरा जो हाई राइज बिल्डिंग है वो यहां पर हैं, तो जो यहां के पार्षद जी हैं, वैभव जी और जो अदर पार्षद हैं, उन्होंने मिलकर के DM साहब के यहाँ पर एक रिक्वेस्ट किया था कि एक जो सीजनल, क्योंकि फायर का सीजन चल रहा है, काफ़ी गर्मी बढ़ गई है, आगजनी की घटनाएं भी ज़्यादा हो रही हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर एक अस्थायी फायर स्टेशन की व्यवस्था की जाए। तो उसी के क्रम में यहाँ पर एक अस्थायी जो फायर स्टेशन है वो हम यहाँ पर संचालित कर रहे हैं आज से, और आगे पूरे सीजन में यहाँ पर जो है गाड़ी अवेलेबल रहेगी। अगर कोई घटना होती है तो उसमें रिस्पॉन्स टाइम कम करने में हमारे को मदद मिलेगी, ताकि उस पर त्वरित कार्रवाई करके आग को बढ़ने से रोका जा सके। जैसा कि आप जानते भी हैं, पीछे भी एक पोशाक की दुकान में आग लगी थी और पहले यहाँ पर एक जो गारमेंट की दुकान थी नगर निगम चौराहे के पास में, वहाँ पर भी आगजनी की घटना हुई थी और लोगों का काफ़ी नुकसान होता है। तो सेफ्टी ऑन प्रायोरिटी, तो इसी को देखते हुए हमने एक अस्थायी फायर स्टेशन जो है यहाँ पर इसको संचालन की योजना बनाई है। सर, ये अस्थायी फायर स्टेशन वृंदावन एक टूरिस्ट प्लेस है, बड़ी संख्या में टूरिस्ट भी आते हैं, फेस्टिवल भी होते हैं, तो क्या अस्थायी फायर स्टेशन के लिए भी कोई प्लान आप लोगों के द्वारा तैयार किया जा रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी की वृद्ध जो योजनाएं हैं उनके अंदर इसका भी प्रपोजल है और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय और जो हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं उनको भी एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा गया है कि यहाँ पर एक जगह जो है वो चिन्हित कर ली जाए, क्योंकि फायर स्टेशन के लिए कम से कम 2000 वर्ग गज और अगर अच्छे ढंग का जो फायर स्टेशन उसके लिए 4000 वर्ग गज जगह की रिक्वायरमेंट रहती है। जिस दिन वो जगह मिल जाती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं उसके तहत यहाँ पे फायर स्टेशन का निर्माण भी करा दिया जाएगा, जिसके लिए प्रयास जारी है। कई लेटर हमारी तरफ से इनिशिएट किए जा चुके हैं, आज जो हमारे VC साहब हैं MVDA से, उनसे भी वार्ता हुई है, तो उनका भी कहना है कि रुक्मणी विहार में कहीं पर कोई जमीन जो है फायर स्टेशन के लिए चिन्हित की जाएगी और उस पर जल्द ही फायर स्टेशन का निर्माण भी किया जाएगा।